हत्या के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। रिजवान लाला गैंग के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के तीन आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो छत्रीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। कबूतर खाना में एमआर की हत्या का ये मामला है, जिसके बाद आरोपियों का जुलूस यहाँ पुलिस ने निकाला है। अंशुल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंशुल, एक तरीके से लोगों के बीच संदेश देने की कोशिश है पुलिस की कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कबूतर थाना में एमआर की हत्या कर बदमाशों ने एक खौफ जो है वो फैलाने के प्रयास किए थे, और उसके बाद से ये आरोपी जो है वो लगातार फरार चल रहे थे। इस पूरे मामले में रिजवान लाला गैंग का जो हाथ है वो सामने आया था, और उसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने रिजवान लाला गैंग के दो भाइयों को गिरफ्तार किया है और उन्हें टॉपलेस कर इलाके में उनका जुलूस भी निकाला है। हालांकि फिलहाल अभी भी वारदात के तीन आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं और पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है। वर्तमान में जो आरोपी पकड़ाए हैं उनका इलाके में खौफ खत्म करने के लिए पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया। छत्रपुरा थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की और जहां पर इन आरोपियों के द्वारा हत्या की गई थी वहीं पर इन आरोपियों को ले जा करके इनका जुलूस निकाला गया और इनके कान पकड़ करके इनसे उठक बैठक भी लगवाई गई। पुलिस का साफ कहना है कि इलाके में बदमाशों का खौफ जो है वो लगातार था और खौफ बनाए रखने के लिए इनके द्वारा हत्या की गई थी, जिसके बाद जी बदमाशों का जुलूस निकालकर इलाके में खौफ खत्म करने का प्रयास किया है। अंशुल, पुलिस ने जुलूस तो निकाल दिया इन बदमाशों का, लेकिन ये जाहिर सी बात है जब इतने समय से एक्टिव थे तो कहीं ना कहीं कोई संरक्षण भी प्राप्त था शायद पुलिस का ही। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हत्या के बाद से लगातार आरोपी फरार थे और अभी भी तीन आरोपी जो है वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को संरक्षण देने वाले लोगों को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया है। दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों को जिनके द्वारा भी संरक्षण दिया गया था उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंशुल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये जुलूस की तस्वीर जो देख रहे हैं आप, या बदमाशों का जुलूस, आरोपियों का जुलूस निकाला है रिजवान लाला गैंग के दो आरोपी का ये जुलूस, और तीन आरोपी अब भी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और संदेश देने की कोशिश की, किसी भी नागरिक को डरने की ज़रूरत नहीं, पुलिस उनके साथ है। लेकिन इतने समय से ये यहाँ पर सक्रिय थे और फल फूल रहे थे, कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षण प्राप्त था जिसकी वजह से इनके हौसले इतने बढ़ गए थे। अब उस के बीच पुलिस ने संदेश देने की कोशिश की है। एक हत्या के बाद दो आरोपी गिरफ्तार हुए जिनका जुलूस इंदौर में पुलिस ने इस तरीके से निकाला है। तो अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, ये कहते हुए जुलूस में आरोपी नजर आ रहे हैं। एमआर की हत्या इन्होंने की थी और दो आरोपी गिरफ्तार हुए, तीन अब भी फरार हैं। तो ये तस्वीरें इंदौर की है जहां पर बदमाशों का जुलूस, आरोपियों का जुलूस यहां पुलिस ने निकाला है। एमआर की हत्या के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं लेकिन तीन अब भी फरार हैं जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, और साथ ही इन दोनों आरोपियों का जुलूस निकालकर इन इस क्षेत्र में जहाँ पर वो सक्रिय रहे हैं, जहाँ पर उनके नाम से दहशत है वहाँ पर लोगों को संदेश देने की कोशिश कि उन्हें डरने की जरूरत